इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड ओडीआई मैच यानी कि सीरीज डिसाइडर मैच खेला जाएगा आज शाम को 4:30 पर। इससे पहले वाले दोनों मैच में आपको अच्छी खासी विनिंग करवाई है, कल के बीबीएल वाले मैच में भी अच्छी खासी विनिंग करवाई है, और इस मैच में भी आपको मैं प्लेयर्स बताने वाला हूँ जो आपको जीएल मिनी जीएल विन करवाएंगे। मैंने क्या बोला था कि भाई अगर यहाँ पर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करेगी तो उनके गेंदबाज विकेट निकालेंगे, और लास्ट मैच में आप देख सकते हो जो बिरन हैंड्रिक्स है इन्होंने भी भाई यहाँ पर विकेट निकाले। इसके अलावा लिजार्ड विलियम्स हालांकि एक ही विकेट निकाल पाए, बट नांद्रे बर्गर भाई इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और ये भाई हमारे जीएल की टीम में कैप्टन भी थे आपके सामने, 3 विकेट इन्होंने निकाले। प्लस यहाँ पर भाई आवेश खान और अर्शदीप ने इन्होंने पहले मैच में तबाही कर दी थी, कब, जब भाई इंडिया पहले बॉलिंग कर रही थी। तो अगर भाई यहाँ पर देखो जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उनके गेंदबाज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन किस कंडीशन में और कौन से गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे वो पता चलेगा पिच रिपोर्ट पर। तो पिच क्या रहेगी भाई, बोलैंड पार्क में मैच होने वाला है, पार्ल स्टेडियम में। और यहां पर देखिए यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हिस्टोरिकल डेटा के अगेंस्ट में ही पिच रिपोर्ट आई है, जो फाइनल पिच रिपोर्ट आती है ना यहां पे मैच से सिर्फ 30 मिनट पहले, तो वो क्या आई है अभी तक इन दोनों मैचेस में जो पहले हो चुके हैं उनमें भाई जो हिस्टोरिकल डेटा रहा है, जैसे पहले बताया गया पेसर्स को हेल्प है तो वहां पर भाई पेसर्स को हेल्प मिली नहीं, जहां पर बताया गया स्पिनर्स यहां पर गेम में रहेंगे वहां पर भाई पेसर्स को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो ऐसी यहां पर भाई पिच रिपोर्ट आ रही है, तो फाइनल पिच रिपोर्ट का वेट कीजिएगा। कहां पर पता लगेगी, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। यहां पर आप देख सकते हो बीबीएल में जैकपॉट विनिंग आप लोगों को करवाइए, इससे ज्यादा भाई और क्या ही चाहिए। बार बार याद दिला रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो मैं टेलीग्राम पर आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहां पर अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके लिए जो दोनों टीम्स में कौन से गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो आपको बताऊंगा। उससे पहले भाई डेथ ओवर की बात कर लेते हैं, तो इंडिया की तरफ से डेथ ओवर में गेंदबाजी कौन करेगा, अर्शदीप करेंगे। अर्शदीप के साथ कौन आएगा, या तो आवेश आएगा, जिसके हाई चांसेस है 70% आप मान सकते हो कि आवेश सेकंड बॉलर रहेगा डेथ का, और 30% आप मान सकते हो कि मुकेश कुमार भाई यहां पर गेंदबाजी कर सकते हैं डेथ में। बात कर लेते हैं भाई यहां पर साउथ अफ्रीका की, तो इनकी तरफ से देखिए लिजार्ड विलियम्स भी डेथ में करते नजर आ सकते हैं, नांद्रे बर्गर और ब्यूरन हैंड्रिक्स, इन तीन में से कोई दो आपको डेथ में गेंदबाजी करते नजर आ जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है पिच रिपोर्ट की माने ना, तो पिच रिपोर्ट यहां पर हिस्टोरिकल डेटा जो है वो कहता है कि भाई यहां पर स्पिनर्स प्लस बैट्समैन इनको थोड़ी ज्यादा एडवांटेज होती है, तो अगर वैसा ही होता है ना तो उस कंडीशन में भाई यहां पर तबरेज शमसी खेलते नजर आएंगे। किसकी जगह पर आएंगे, वो एक पेसर को बाहर जाना पड़ेगा। वो पेसर को कौन होगा भाई, वो पेसर हो सकता है ब्यूरन हैंड्रिक्स हो या लिजार्ड विलियम्स हो, या फिर भाई यहां से जो सबसे अभी लग रहा है कि जाने के जिसके सबसे हाई चांसेस है वो है भाई व्यान मल्डर। अगर ये जाते हैं तो भाई इनके काफ़ी हाई चांसेस है कि इनके बाहर बैठने के चांसेस है, बट सेम टाइम पर फिर इनकी बैटिंग भी काफ़ी वीक हो जाएगी। अब यहाँ पर भाई बात करते हैं दोनों टीम्स के एक एक प्लेयर के बारे में, तो सबसे पहले भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में चलेंगे। केएल राहुल वनडे मैचेज का बड़ा तगड़ा प्लेयर और 101% आप इन्हें अपनी टीम में ले सकते हो। फर्स्ट मैच में भाई यहाँ पर आप देख सकते हो बैटिंग इनकी आई नहीं थी, सेकंड मैच में भाई बैटिंग आई और अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी आई और हमने अपनी टीम में लिया था, इजिली विन कर गए। वहीं अगर देखोगे एनरिस क्लासन अभी तक इस सीरीज में फ्लॉप दिखा है, क्योंकि पहले मैच में बैटिंग आई वहाँ पर साउथ अफ्रीका का कोलैप्स हुआ, सेकंड मैच में भाई बैटिंग इनकी आई ही नहीं। तो इस मैच में अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो ये आपके लिए मस्ट ऑफ पिक की कैटेगरी में रहने वाले हैं, जरूर से आप इन्हें मस्ट ऑफ पिक की कैटेगरी में रखिएगा। संजू सैमसन अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में कहीं पे भी बैटिंग करे तो इन्हें सिर्फ आप जीएल मिनी जीएल में सीवीसी ट्राई कीजिएगा एक या दो टीम में, क्योंकि अगर इंडिया का ऊपर से कोलैप्स होता तो हो सकता है संजू सैमसन कुछ अच्छा आपको करते नजर आ जाए। लास्ट मैच में हालांकि बैटिंग आई थी बट ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, बिल्कुल भाई मतलब बॉल टू बॉल रन बना रहे थे और वहां पर भाई इन्होंने विकेट अपना फेंक दिया था। बात करेंगे भाई यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन से मस्ट ऑफ पिक प्लेयर कौन रहेगा वो भी बता देता हूं। मस्ट ऑफ पिक प्लेयर हमारे लिए यहां से रहने वाले केएल राहुल, बाकी एनरिस क्लासन भी अच्छे ऑप्शन है। मैं इनको लूंगा या नहीं लूंगा वो भाई फाइनल पिच रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा, अगर हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से पिच रिपोर्ट आती है तो मैं इन्हें अपनी टीम में रख लूंगा, अगर नहीं आती है तो भाई फिर मैं ट्राई नहीं करूंगा। बैटिंग सेक्शन में राशि वांडर डसन लास्ट के दो मैच में भाई कुछ खास नहीं कर पाए, पहले मैच में भी सिर्फ 36 मतलब पहले मैच में 0 पर ही गए थे भाई, दूसरे मैच में भाई इन्होंने 36 रन बनाए हैं। हालांकि फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आपके लिए एक सेफ और डिसेंट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि भाई टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं और
उस कंडीशन में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर से रहने ही रहने वाले। डेविड मिलर जीएल मिनीजल के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है तो उस कंडीशन में आप इन्हें फिर भी अपनी टीम में रख सकते हो। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तगड़ा प्लेयर है, जरूर से बैक कर सकते हो। वहीं अगर बात करें ऋतुराज गायकवाड़, मैंने पहले मैच से भी पहले वॉइस मैसेज डाला हुआ था टेलीग्राम पर कि ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा है, बट एक जो मेन चीज है यहां पर, अगर मान लीजिए कि मूवमेंट होती है तो उस कंडीशन में ऋतुराज गायकवाड़ ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे, और वही अभी तक देखने को मिला है। और अगर यहां पे भी मूवमेंट होती है तो हो सकता है गायकवाड़ आपको फिर से फ्लॉप होते दिखे। रिजा हेंड्रिक्स दो मैच खेले, पहले मैच में तो भाई कुछ खास नहीं किया, सेकंड मैच में भाई इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहां पर दी थी। सेकंड मैच में भाई इन्होंने अच्छी नोक खेली, यहां पर 52 रन बनाए थे। और इसके अलावा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी लंबी नोक खेलने के लिए जाने जाते हैं, और अगर ये लंबी नोक खेलते हैं तो आपके लिए सीवीसी के भी तगड़े ऑप्शन रहेंगे। वहीं अगर बात करें रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह भाई अभी देखो लास्ट मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो गई इनकी, क्योंकि एक विकेट ले गए थे, फर्स्ट मैच में बैटिंग आई नहीं थी, वनडे में भाई ज़्यादा अभी इन्हें टेस्ट किया नहीं गया, तो जीएल मिनीजीएल में ट्राई कीजिएगा। तिलक वर्मा भाई अभी रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो अगर आप चाहो तो इजिली ड्रॉप कर सकते हो। अब देखिए साई सुदर्शन इंडिया की तरफ से भाई एकमात्र बैट्समैन जो दोनों मैचेज में अच्छा करके गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए पहले मैच में भी 50 लगाई और दूसरे मैच में भाई इन्होंने 50 लगाई है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर से रहने वाले लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। हाँ, अगर आप बड़ा रिस्क ले सको तो भाई साई सुदर्शन की जगह गायकवाड़ को ले सकते हो, बट अभी के लिए मैं साई सुदर्शन को बैक करूंगा। टीडी जॉर्जी की बात करें तो इन्होंने लास्ट मैच में भाई सेंचुरी लगाई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने जिस हिसाब से कुलदीप को खेला ना, उस हिसाब से भाई ये स्पिन के काफी अच्छे प्लेयर लग रहे हैं, और इस अगर यहां पर स्पिनिंग ट्रैक होता है तो उस कंडीशन में ये आपकी टीम में एक डिफरेंशियल सीवीसी का काम कर सकते हैं। हालांकि टीम में आप रखना चाहो रख सकते हो, अभी के लिए मेरी टीम में जगह नहीं बन पाएगी। बात करें यहां से भाई एडन क्रम की, मास्टर पे एक नो डाउट भाई दो मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगा आपकी टीम में 100% होने चाहिए, बैटिंग कर रहा है प्लस बॉलिंग कर रहा है, और दूसरी बात यहां पर स्पिनर्स को हेल्प है, तो उस कंडीशन में आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्षर पटेल भाई इनको है ना, इनका एक या दो मैच खराब जरूर जाते हैं, बट ऑलमोस्ट हर मैच में आपके लिए मस्ट ऑफ पिक वाला काम करेंगे, बैटिंग से भी परफॉर्मेंस आएगी प्लस बॉलिंग से भी अच्छा करेंगे। मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक है, अगर इंडिया सेकंड इनिंग में बॉलिंग करवाती है यानी कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है, तो अगेन मेरी टीम में कैप्टन या वीसी के भी तगड़े ऑप्शन ये रहेंगे स्मॉल लीग टीम में। इसके अलावा वेयर मल्टर की बात करेंगे, अगर भाई यहाँ पर पहले बॉलिंग करते हैं साउथ अफ्रीका की टीम, उस कंडीशन में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में थोड़े से एवरेज पिक हो जाएंगे। गेंदबाजी की बात करें कुलदीप यादव यहाँ से मस्ट ऑफ रहेंगे, हालांकि भाई जो लास्ट T20 मैच था वहां पर 5 विकेट निकाले थे, और उसके बाद भाई सेकंड जो लास्ट मतलब जो लास्ट मैच था सेकंड ओडीआई मैच, वहां पर भाई इनका बहुत बुरा हाल हुआ था, वहाँ पर भाई इनको भाई परफॉर्मेंस नहीं करने को मिली, क्योंकि वहाँ पर टीडी जॉर्जी ने इनके ऊपर आकर बहुत ही खतरनाक अटैक करना स्टार्ट किया, और उस कंडीशन में भाई इनको विकेट नहीं मिले। और अगर भाई यहाँ पर टीडी जॉर्जी फिर से ऐसा करते तो हो सकता है कुलदीप यादव विकेट ले जाए, बट कुलदीप यादव इस मैच में मेरे हिसाब से टीडी जॉर्जी का विकेट निकाल लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इंडिया सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं तो जीएल के कॉम्बिनेशन में आप अक्षर पटेल प्लस कुलदीप यादव को सीबीसी करके चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें तो केशव महाराज इंडिया की तरफ से भाई, इंडिया के पास है ना देखो राइट हैंड बैट्समैन भी अच्छे खासे प्लस लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी अच्छे खासे, तो इनको बॉलिंग तो अच्छी खासी मिलेगी राइट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट में, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप इन्हें अपनी टीम में 101% ट्राई कर सकते हो। हालांकि सेकेंड इनिंग में अगर आती है बॉलिंग इनकी तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फर्स्ट इनिंग में थोड़े से एवरेज पिक है तो उस हिसाब से आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रही है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर टीम अभी बनाने लगा हुआ हूँ। यहाँ से अगर बात करें तो भाई अर्शदीप सिंह, अब देखिए इन्होंने फर्स्ट मैच में 5 विकेट निकाले थे, बट सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है इंडिया की तो उस कंडीशन में ये थोड़े से एवरेज साबित होते हैं, और इसीलिए मैं अभी के लिए इन्हें ट्राई नहीं करूंगा। ब्यूरन हेंड्रिक्स मस्ट ऑफ पिक रहेगा, बॉलिंग भाई इनके पास जितने ऑप्शन है ना, जितने इनके पास भाई मिश्रण है वो किसी भी और गेंदबाज के पास नहीं नजर आ रहे अभी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आवेश खान ना करते हुए भाई विकेट बंदा निकाल लेता, हालांकि 5 वनडे मैचेस में सिर्फ 4 विकेट मिले और वो चारों के चारों भाई एक ही मैच में इन्होंने निकाले, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप इन्हें टीम में रखें, क्योंकि स्लोअर वंस का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बाउंसर मारते हैं, यॉर्कर अच्छी है इनकी, तो ये इस सारे फैक्टर मिलाकर भाई ये आपके लिए इतने मिश्रण लेकर आते हैं कि आप इन्हें अगर अपनी टीम से ड्रॉप करोगे ना तो भाई काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा, और ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम जरूर से कर जाएंगे। मुकेश कुमार जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। नांद्रे बर्गर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं। इसके अलावा अब देखिए तबरेज शमसी अगर खेलता है तो 101% मैं बोलूंगा तबरेज शमसी को ले लो, क्योंकि इनकी भाई बॉल यहां पर ज्यादा टर्न होगी और इनकी
बॉल में भाई पेस भी होता है थोड़ा। इसके बाद यहाँ पर भाई अगर ये नहीं खेलते तो उस कंडीशन में केशव महाराज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी के लिए ना मैं केशव महाराज को टीम में रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भाई मान लीजिए मैंने केशव महाराज को ले लिया, टीम प्रव्यू कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। अब सीवीसी की बात करते हैं, तो देखिए कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन में से एक यहाँ से रहने वाले हैं एडन मार्करम, बट साई सुदर्शन, केएल राहुल इन्हें भी काफी लोगों ने सीवीसी दे रखा है। बट अगर मेरी टीम में मैं आपको बताऊं अक्षर पटेल कैप्टन रहेगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो, यानी कि सेकंड इनिंग में अगर इंडिया की बॉलिंग आती है तो उस कंडीशन में अक्षर पटेल मेरी टीम में कैप्टन रहेगा। और अगर यहां से भाई आप चाहो तो नांद्रे बर्गर को वीसी दे सकते हो या फिर भाई यहां से एडन मार्करम को दे सकते हो। अभी के लिए खैर मैं एडन मार्करम के साथ जा रहा हूं एज ए वीसी। टीम के प्रीव्यू की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट आती है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कैसे ज्वाइन करना है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, अभी की अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।